बाबा सिद्दीकी जी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये बात किसी बीहड़ सुनसान जगह की नहीं है, ये मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा इलाके की है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो एक बहुचर्चित लोकप्रिय समाज सेवी तो थे ही, साथ में 3 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो वाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिन्होंने 15 दिन पहले ही महायुति सरकार को विधिवत तरीके से सूचित किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और बावजूद इसके, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। और ये पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो एक बहुत ही वाजिब, बहुत ही जायज सवाल न सिर्फ इस देश के नेताओं, इस देश के राजनीतिक दलों, बल्कि हर भारतीय नागरिक, हर मुंबई और महाराष्ट्र के निवासी के दिमाग में कौंध रहा है कि अगर एक वाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ, एक पूर्व मंत्री, 3 बार के एमएलए के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटित हो सकती है, तो उस आम आदमी, आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र मुंबई में मोदी और शिंदे की सरकार जहां है, भाजपा की सरकार जहां है, महायुति सरकार जहां है, एक ठगबंधन की सरकार जहां है, वहां हर व्यक्ति का जीवन एक डर के साए में बीत रहा है। रात के सन्नाटे में डर, तो दिन दहाड़े डर। और इस डर की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल पूछना जनता का अधिकार है, और वो चीख चीख कर पूछ भी रही है। और मैं भी पूछना चाहती हूं कि ये डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होठ से ले, एक शब्द नहीं निकल रहा।